राजस्थान पटवार संघ ने अभिभाषक संघ के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। अभिभाषक संघ के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे पटवारी गिरदावर। समारोह पूर्वक संपन्न हुई 62वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता, विजेता व उपविजेता टीमों को किया पुरस्कृत। विगत दिनों से घर से लापता हुए युवक का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने जताया आक्रोश। और एसजी कॉलेज के छात्र संघ चुनावों में संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी का कब्जा। एबीवीपी के प्रत्याशी ने 758 मतों से दर्ज की जीत। नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा मोहल्ला के संस्था प्रधान सीमा कृपलानी ने कहा कि खिलाड़ियों को हार ने निराश ने होने के बजाय उससे सीख लेनी चाहिए। हार के बाद ही अच्छी तैयारी करते हुए बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। कृपलानी सोमवार को राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा मोहल्ला विद्यालय में आयोजित 17-19 वर्गीय 62वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन पर समारोह को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने विजेता टीमों को बधाई देते हुए उपविजेता टीमों की हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के दौरान बालिकाओं ने राजस्थानी गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर अतिथियों का मन मोहा। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि शिक्षाविद श्यामलाल वर्मा, समाज सेवी नरेश मदानी तथा सिटी थाना अधिकारी यशवंत यादव ने विजेता तथा उपविजेता टीमों को शिल्ड तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए। समापन समारोह में पार्षद गोपाल प्रजापत, मनोज बाबेल तथा अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। प्रतियोगिता में 17 वर्षीय आयु वर्ग में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सापुंदा की टीम विजेता तथा सीपीएस बोराड़ा उपविजेता रही, जबकि 19 वर्ष आयु वर्ग में सीपीएस बोराड़ा की टीम विजेता तथा राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय की टीम उपविजेता रही। समारोह के अंत में संस्था प्रधान ने सभी टीमों को बधाई देते हुए अतिथियों का आभार प्रदर्शित किया। शहर के सेदरिया बाईपास पर सोमवार सुबह ब्यावर से अपनी गांव की ओर जा रहा एक बाइक सवार असंतुलित होकर सड़क पर बनी पानी के गड्ढे में गिर गया, जिससे उसका सिर गड्ढे में पड़े एक बड़े से पत्थर से टकरा गया। पत्थर से सिर टकराने के कारण उसे गंभीर चोट आई, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय पहुँचाया गया, जहाँ पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद अजमेर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रामपुरा गुंडो का बाला निवासी भीम सिंह पुत्र लाल सिंह के समय शहर में काम करने के बाद सोमवार सुबह बाइक पर सवार होकर अपने गांव की तरफ जा रहा था कि सेदरिया बाईपास के यहां से सड़क से गुजरते समय असंतुलित होकर पानी के गड्ढे में जा गिरा, जिससे उसका सिर गड्ढे में पड़े एक पत्थर से टकरा गया। दुर्घटना में भीम सिंह के सिर में गंभीर चोट आई है। निकटवर्ती भीम कस्बे के गांव पीपलबाड़िया में खेत में फसल में कीटनाशक का छिड़काव करते समय दवा मुंह में चले जाने से एक युवती अचेत हो गई। जानकारी पर परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया है। जानकारी के अनुसार पीपलबाड़िया निवासी बहादुर सिंह की पुत्री ललिता सोमवार सुबह खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रही थी। बताया जा रहा है कि छिड़काव के दौरान दवा ललिता के मुंह में चली गई, जिससे उसे सिरदर्द होने लगा। सिरदर्द की शिकायत पर ललिता ने दर्द निवारक गोली ली और सो गई। करीब एक घंटे बाद जब वह उठी तो उसे चक्कर आने लगी और वह अचेत हो गई। जानकारी पर परिजनों ने उसे ब्यावर लाकर उपचार के लिए राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय में भर्ती करवाया है।
नगर परिषद के रिकॉर्ड रूम में रविवार देर रात्रि में अचानक आग लग गई। धुआं उठता देख चौपाटी पर मौजूद लोगों ने परिषद के गार्ड को सूचना दी। गार्ड ने आग लगती देख नगर परिषद दमकल को सूचना दी, जिस पर दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस बीच सूचना परिषद सभापति बबीता चौहान एवं अन्य पार्षद भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि 10:15 बजे के आसपास आग लग गई, जिसके कारण रिकॉर्ड रूम के सभी अधिकांश दस्तावेज जलकर राख हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने करीब आधे घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया। सूचना पर सभापति अभिता चौहान तथा पार्षद मंगत सिंह मोनू मौके पर पहुंचे। उधर देर रात्रि में लगी आग ने परिषद प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जिस कक्ष को रिकॉर्ड रूम के रूप में उपयोग किया जा रहा है, उस कक्ष की बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। ऐसे में देर रात्रि में आग लगना अपने आप में संदेहास्पद है। ज्ञात रहे कि परिषद वर्तमान में कई विवादों से घिरी है, ऐसे में रिकॉर्ड रूम में लगी आग ने कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। मामले में सभापति उपिता चौहान ने जांच कराने की बात कही है। रिकॉर्ड रूम में आग लगी उसका हमें मालूम था, फोन आया हमारे पास जब हम मौके पर पहुंचे हैं और मालूम चला कि आग लगी हुई है। तुरंत अग्निशमन विभाग को फोन किया, वो लोग पहुंच गए हमारे आने से पहले और आग बुझा दी गई, पर अभी तक इसके कारणों को कोई पता नहीं चला है कि भाई किस कारण से लगी है, कहां से लगी है। क्योंकि ऐसी जगह आग लगी जहां कोई जा ही नहीं सकता है, ना कोई लाइट के तार वगैरह कुछ भी नहीं है। इसके लिए अब हम लोग जांच करेंगे कि किस कारण से लगी है, उसकी जांच करके मालूम चलेगा कि क्या है क्या नहीं है, इसका तो बाद में मालूम चलेगा। शहर के विनोद नगर स्थित जैन जवाहर भवन में रविवार को श्री जैन मित्र मंडल ब्यावर की ओर से हर वर्ष होने वाले सामूहिक धर्म गोट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जैन सैकड़ों जैन समुदाय के युवक युवतियां बच्चे तथा महिला पुरुष सभी ने सामूहिक रूप से बनाए भोज को एक साथ बैठकर ग्रहण किया। इस दिन जैन समाज के सभी लोगों ने एक ही छत के नीचे बैठकर सामूहिक भोज कर एकजुटता का परिचय दिया। शुद्ध देशी घी में बनाए गए इस भोज का सर्वप्रथम महावीर स्वामी को आहार प्रस्तुत करने के बाद सभी समाज बंधुओं ने सामूहिक भोज किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के वक्ताओं ने कहा कि इस तरह से समाज के सामूहिक भोज से एकजुटता तो प्रदर्शित होती है, बल्कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में चेतना आने के साथ आपसी सौहार्द में प्रेम भी बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान समाज के 21 प्रतिभाओं को बोर्ड की परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने पर उन्हें समाज की ओर से प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सदर थाना क्षेत्र के उदयपुर रोड स्थित अंबिका होटल के पास स्थित कुएं में रविवार को 28 अगस्त से घर से लापता युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कुएं में लापता युवक के शव मिलने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। इस दौरान गांव की महिलाएं भी वहां पहुंच गई। घटना की सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी सहदेव चौधरी मयजाप्ता मौके पर पहुंचे तथा ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकालकर शव को राजकीय अम्बेडकर अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक काबरा निवासी प्रताप सिंह पुत्र भवर सिंह रावत करीब 2.5 माह से ट्रक पर सह चालक के रूप में कार्य कर रहा था। 28 अगस्त को जब परिजन ने उससे बात करने के लिए उसका मोबाइल फोन लगाया तो वहां से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद परिजन ने कई बार उसे फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा। इसके बाद परिजन ने उसके साथ गए ट्रक चालक अजीत सिंह से पूछताछ की लेकिन उन्हें कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिला। उसके बाद परिजन ने 30 अगस्त को जवाजा थाने में प्रताप सिंह की लापता होने की शिकायत दी गई। मृतक के भाई सुखदेव ने बताया कि उसे रविवार को फोन पर सूचना मिली कि उदयपुर रोड स्थित अंकित होटल के पास एक कुएं में युवक का शव मिला है, जिस पर मौके पर शव की शिनाख्त की तो पाया कि वह प्रताप सिंह ही है, जिस पर हत्या का अंदेशा जताते हुए प्रताप सिंह के परिजन ने ट्रक चालक अजीत सिंह तथा सुरेंद्र सिंह तथा दो अन्य के खिलाफ सदर थाने में नामजद शिकायत दी। इस दौरान अमृत कौर अस्पताल की मोर्चरी पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं व पुरुष एकत्रित हो गए तथा आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक छुग सिंह सोड़ा, सिटी थाना प्रभारी यशवंत यादव भी एकेश की मोर्चरी पहुंचे तथा ग्रामीणों से समझाइश कर मामले को शांत करवाया, तब कहीं जाकर शव का पोस्टमार्टम हो सका। दिव्यांगों के मूल्यांकन और चिन्हीकरण के लिए रविवार को अजमेर रोड सातपुलिया स्थित फतेहपुरिया बगीचे में महावीर इंटरनेशनल ब्यावर की ओर से भगवान महावीर विकलांग सहायता सेवा समिति जयपुर शाखा अजमेर के तत्वावधान में 3 दिवसीय शिविर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भगवान महावीर के छायाचित्र पर समिति के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। समिति सचिव सुशील छाचेर ने बताया कि शिविर के प्रथम दिन 150 से अधिक दिव्यांगों के पंजीकरण किए गए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों को एक ही छत के नीचे
कई सुविधाएं मिलेगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में बड़ी संख्या में पंजीकरण होने की संभावना जताई गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि पंजीकृत हुए दिव्यांगों को जरूरत के अनुसार उपकरण प्रदान किए जाएंगे। खबरों में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। जय राम जी की। ब्याह को लाडू ऐसो लाडू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अरे तो भाई, जिंदगी को स्वास्थ्य अगर सुधारनो है तो लाडू खानो ही चाहिए। कितना यादगार पल हो, बैंड बाजा बारात निकाशी आहा, और ब्याह को मजो जब आवे, जब समारोह स्थल भी यादगार हो। कही क्यों? अरे भाई है नहीं, अशोक पैलेस गार्डन सेंद्रा रोड पर, आधुनिक सुख सुविधा वालों, बहुत ही शानदार अशोक पैलेस, खुद ही देख लो। आपके हर उत्सव को बनाए यादगार, अशोक पैलेस गार्डन, आधुनिक सुविधाओं वाला शानदार समारोह स्थल, शहर के बीचों बीच। अपने शादी बर्थडे पार्टी व हर उत्सव को बनाइए यादगार। ठहरने की उत्तम सुविधाओं के साथ आधुनिक डेकोरेटेड एसी रूम्स, शानदार हॉल, बेहतरीन स्टेज, हरा भरा लार्ज स्पेस वाला लॉन, पानी बिजली रसोई व पार्किंग की लाजवाब व्यवस्था के साथ बेहद वाजिब दाम में पाइए अशोक पैलेस गार्डन, सेंद्रा रोड, ब्यावर, 8094517200। अरे भाई, ब्याह का बाद बर्थडे पार्टी, आनो जानो कई तरह का उत्सव, सबके लिए फिट है, एकदम हिट, बिल्कुल फिट अशोक पैलेस गार्डन। अरे सुनो हो भाग्यवान, काई के वो बोलो थे? आजकल अखबार में किसी किसी खबर आवा लागी है। थे तो अखबार ही पढ़ता रहो, आज ताई काई कर दियो थे हमारे वास्ते? अरे थाने काई चावे रानी सा, हुकुम तो करो। आज कौन सो दिन है, ठा है थाने? हाँ, आज मंगलवार है और बालाजी रविवार है, और काई? ए भगवान, आज आपारी शादी री साल गिरा है। ओ, अरे मने याद है रानी सा, ओ लो आपरो उपहार। अरे वाह, इतरो सुंदर हार कठे सु लाया? पूरा शहर में एक ही तो नाम है, मनस्वी ज्वेलर्स। अपनी घरवाली से करो हो प्यार तो मनस्वी ज्वेलर्स हर बार। Join me in the beautiful and mystical state of Rajasthan with Honda's latest offering in the 100cc scooter segment, the Click. मंजिल कहाँ है? कैसे पहुँचना है? No confusion. That's the new generation. New generation वाली Activa 4G. आपके शहर में होंडा ब्रांड टू व्हीलर्स के एकमात्र ऑथराइज डीलर राजेंद्र ऑटोमोबाइल्स। राजेंद्र होंडा के शोरूम से लीजिए शानदार मोटरसाइकिल स्कूटर आकर्षक रंगों व फीचर्स में, दमदार इंजन, शानदार माइलेज, HET जापानी टेक्नोलॉजी से बने बेहतरीन टू व्हीलर्स जो बना दे आपके हर सफर को यादगार, पूरे परिवार की पहली पसंद। होंडा सिटी डीलर्स, होंडा शाइन, होंडा लीवा, एक्टिवा 125 और भी होंडा के बहुत से प्रोडक्ट्स जो बना दे आपके हर दिन को खुशगवार, बेहद आसान फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही चली आइए राजेंद्र होंडा के शोरूम राजेंद्र ऑटोमोबाइल्स, IOC कॉलोनी के सामने, जोधपुर रोड, ब्यावर, 0164-224-881-94-140-092-53। अरे आपके पैसे अब तक पहुँच जाएंगे, क्यों चिंता करते हैं? कभी कभी रिश्तों को भी तवज्जो देनी पड़ती है। कमाल के लोग। अरे वो चौहान कॉलोनी के प्लॉट का क्या हुआ? साहब पैसे बहुत मांग रहा है। चल साहब के साथ। अरे अरे कहाँ घुसा रहा है ये? कौन है भाई? सर ये बाहर हंगामा कर रहा था। भैया नशा नाश की जड़ है, समझ गया? शराब पीने से पैसे भी खराब होंगे और जिंदगी भी बर्बाद होगी। क्यों पीता है शराब? कम पढ़ा लिखा हूँ, मध्य दौर में कोई काम देता है नहीं, अब आप बताओ क्या?
अरे भाई जरूरी नहीं है कि ज्यादा पूंजी लगाकर ही बड़ा व्यापार करें, रोज कमा खाने वाली बात कर। अरे भाई कम पढ़े लिखे हो तो आज ही चले जाओ पार्श्वनाथ ऑटो। हाँ, और वहां से ले आओ एपीआई ऑटो, सवारी और लोडिंग। हाँ, खूब चलाओ, खूब कमाओ। अरे भाई जिनके दिन मजदूरों की तरह बीतते हैं उनकी रात बादशाहों जैसे गुजरती है। पार्श्वनाथ ऑटो की पेशकश एपीआई थ्री व्हीलर्स, साल 2016 में और वैदिक सुविधाओं व बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ एपीआई कर शक्ति ऑटो लोडिंग व सवारी टेम्पो। एपीआई ऑटो 35 किलोमीटर पर लीटर माइलेज, मजबूत चेसिस, दमदार बॉडी, शानदार पिकअप, कंपनी द्वारा अत्याधुनिक एक्सेसरीज फिटिंग, अनेक रंगों व मॉडल में उपलब्ध, वाहन एक्सचेंज व फाइनेंस की आसान सुविधा। किसी भी कंपनी का पुराना टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर लाइए और अधिकतम मूल्य पर ले जाइए एपीआई ऑटो। तो संपर्क कीजिए पार्श्वनाथ ऑटो, देलवाड़ा रोड, ब्यावर, 9992806708, अजमेर का पता है पर्वतपुरा बाईपास, नेशनल ट्रैक्टर के पास, अजमेर। सर जी मैं भी एपीआई ऑटो लिया है, कम लागत में भरपूर मुनाफा, एपीआई ऑटो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पुराने उपखंड कार्यालय भवन में बार एसोसिएशन कार्यालय स्थापित करने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी व बार एसोसिएशन के बीच उपजा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। सोमवार को अभिभाषक संघ द्वारा पटवारियों व गिरदावरों के साथ अभद्र व्यवहार करने पर राजस्थान पटवार संघ ने निंदा प्रस्ताव पारित करते हुए इसकी प्रति उपखंड अधिकारी को सौंपी है। उपखंड अधिकारी को दी गई निंदा प्रस्ताव की प्रति में बताया गया कि उपखंड कार्यालय भवन में 1 सितंबर को पटवारी तथा गिरदावर काम कर रहे थे कि इसी दौरान अभिभाषक संघ के कुछ सदस्य वहां पहुंचे तथा बलपूर्वक पटवार कार्यालय का शटर बंद करते हुए कामकाज बंद करवाते हुए पटवारियों व गिरदावरों के साथ दुर्व्यवहार किया। सोमवार को विश्रांति घर पर आयोजित राजस्थान पटवार संघ तथा कानूनगो संघ की संयुक्त बैठक में अभिभाषक संघ के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव के प्रति सौंपते समय वीर सिंह चौहान, छगनलाल चौधरी, सांवरलाल जाट, लोकेश कुमार मीणा, कृष्ण कुमार अवस्थी, गोपाल गुर्जर, सुनील डेटानी सहित अन्य पटवारी तथा गिरदावर उपस्थित थे। पुराने उपखंड कार्यालय भवन में श्रीमान उपखंड अधिकारी के आदेशानुसार 4-5 पटवारी वहाँ कार्यरत हैं, अपने ऑफिस में कार्य कर रहे थे। इस दरमियान दिन में शुक्रवार के दिन अभिभावक संघ के कुछ एक वकील पधारे और चैनल गेट के ऊपर बलपूर्वक ताला लगाया गया एवं उस परिसर पर न्यायालय परिसर लिखवाया गया, जिसको नायब साहब ने मना किया, लेकिन उस अवैधानिक कार्य को उन्होंने बलपूर्वक किया। इस कृत्य का पटवार संघ घोर विरोध करता है और उसका निंदा प्रस्ताव पास किया है और इस ज्ञापन की प्रतिलिपि श्रीमान उपखंड अधिकारी को प्रेषित की है। ग्राम पंचायत अरबतखेड़ा के प्रतापपुरा के ग्रामीणों ने सोमवार को महिलाओं के साथ उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचकर हल्का पटवारी द्वारा पुश्तैनी जमीन पर बनाए गए मकानों को अवैध बताते हुए शीघ्र खाली करने के नाम पर नाजायज परेशान करने का आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन दिया। उपखंड अधिकारी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि अरबतखेड़ा के गाँव प्रतापपुरा में 2 बीघा 2 बिस्वा जमीन हमारी पुश्तैनी जमीन है, जिस पर गाँव के करीब 10 से 20 परिवारों ने अपने मकान बना रखे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विगत कुछ दिनों से हल्का पटवारी हमारे मकानों को अवैध बताते हुए शीघ्र खाली करने तथा इसके अभाव में तोड़वाने की धमकी देते हुए नाजायज परेशान कर रहा है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से पटवारी के खिलाफ कार्यवाही करने तथा मकानों के पट्टे जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में निर्मला देवी, लक्ष्मी, आशा देवी, भोम सिंह, टेर सिंह, गोपाल सिंह, अमर सिंह सहित अन्य शामिल थे। पुरानी समय की ये बहुत प्रतापरा गाँव में और मेरे आबादी में हुई नहीं, और बार बार पटवारी आते हैं और मेरा घर ढूंढने के लिए करते हैं। आदमी जो सब कमजोर है, कमा वाला सरकारी नौकरी है ही नहीं मेरे आदमी के, सबके पूरे गांव के सरकारी आदमी है ही नहीं। इन पटवारी बार बार आते हैं, कहे मैं तेरे घर ढूंढूंगा, वो मंगलवार और बुधवार कहते हैं कि जैसे लाके ढूंढूंगा, जैसे मैं मीडिया साहब मेरी पूछ रही।
अज्ञात चोरों ने रविवार रात्रि में छावनी फाटक बाहर एक चाय की कैबिन की छत काट कर कैबिन में रखी खाद्य सामग्री व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की जानकारी दुकानदार को सोमवार हुई। कैबिन मालिक नरेश ग्वाला ने बताया कि छावनी फाटक बाहर उसकी जय महादेव टी स्टॉल के नाम से एक कैबिन लगी रखी है। ग्वाला ने बताया कि रविवार रात को अज्ञात चोरों ने उसकी कैबिन की छत काट कर कैबिन में रखी दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, गुटखा, नमकीन सहित 15,000 रुपए की खाद्य सामग्री तथा गले में रखी 7,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। पीड़ित नरेश ने सोमवार सुबह सिटी थाना पुलिस को चोरी के संदर्भ में लिखित शिकायत दी है। ग्वाला ने बताया कि इससे पूर्व में उसकी दुकान में 3 बार चोरी की वारदात घटित हो चुकी है। कॉलेज निदेशालय के निर्देशों के बाद लिंग दोह कमेटी की सिफारिशों के आधार पर शहर के एसडी कॉलेज में 28 अगस्त को हुए संयुक्त सचिव पद पर मतदान के पश्चात सोमवार को मतगणना की गई। मतगणना के परिणामों में संयुक्त सचिव पद पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी किशोर कुमार ने जीत हासिल की है। किशोर कुमार की जीत के बाद छात्र संघ के पूरे पैनल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कब्जा हो गया है। इससे पूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा महासचिव पद पर परिषद के प्रत्याशी निर्विरोध रूप से निर्वाचित हो चुके थे। मतगणना के परिणामों में परिषद प्रत्याशी की जीत के समाचार मिलते ही एबीवीपी कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। एसडी कॉलेज के बाहर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने जीत पर हर्ष जताते हुए एक दूसरे को बधाई दी। महाविद्यालय प्रशासन से जारी मतगणना के आंकड़ों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी किशोर कुमार को 758 तथा एनएसयूआई के प्रत्याशी अमजद खान को 200 मत मिले। इस आधार पर किशोर कुमार ने उक्त पद पर जीत दर्ज की है। चुनाव अधिकारी अरुणा गुप्ता के अनुसार मतदान प्रक्रिया के दौरान कुल 958 छात्र मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया था। मतगणना तथा परिणाम की घोषणा के बाद महाविद्यालय परिसर में एक सादे समारोह में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राचार्य एसएस पवार ने विजेता छात्र संघ पदाधिकारियों को पद गोपनीयता की शपथ दिलवाई। मतगणना के दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिटी थाना अधिकारी यशवंत यादव अपनी टीम के साथ जुटे रहे। 1 बजे और उसमें अध्यक्ष पद पर आदर्श बागवेल निर्विरोध निर्वाचित, उपाध्यक्ष हेमाराम कुमावत निर्विरोध निर्वाचित, महासचिव करण चौधरी निर्विरोध निर्वाचित। संयुक्त सचिव पद के लिए मतदान हुआ, उसमें किशोर कुमार को 758 मत प्राप्त हुए और अमजद खान को 212 मत प्राप्त हुए। फलस्वरूप संयुक्त सचिव पद पर किशोर कुमार को विजयी घोषित किया गया। श्री वर्धमान कन्या महाविद्यालय में हुई मतगणना के बाद घोषित परिणामों में पूजा कंवर अध्यक्ष, सेजल मारोठिया उपाध्यक्ष, प्रतिज्ञा चौहान महासचिव तथा अनुप्रिया राखेचा संयुक्त सचिव पद पर विजय रही। चुनाव संयोजिका श्रीमती प्रीति शर्मा के अनुसार मतगणना में दीपिका शिवकानी, तरनप्रीत कौर, डिम्पल सोनी, कृतिका राठी तथा पूजा कंवर कक्षा प्रतिनिधि के रूप में विजयी घोषित की गई। मतगणना के पश्चात महाविद्यालय परिसर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों ने विजयी प्रत्याशियों का माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान प्राचार्य कांता जैन ने छात्र संघ पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्य अतिथि जमरीलाल चिशोदिया ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को भविष्य में प्रशासन के साथ मिलकर योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य कांता जैन ने विजयी छात्राओं को बधाई देते हुए सभी छात्राओं के साथ मिलकर महाविद्यालय के विकास कार्य में योगदान देने पर बल दिया। चुनाव संयोजिका श्रीमती शर्मा ने मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। आमजन में विश्वास के स्लोगन को सार्थक करने के मकसद से राजस्थान पुलिस की ओर से शुरू की गई पहल पर शहर के कई वार्डों में पुलिस आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत पुलिस अब गली मोहल्ले में जाकर लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में जुटी है। पुलिस आपके द्वार योजना के तहत पुलिस अब हर मोहल्ले के लोगों के पास जाएगी, ताकि खुद आम लोग खुद को सुरक्षित समझ सके और भयमुक्त वातावरण में रह सके। सोमवार को शहर के वार्ड संख्या 10 में गहलोत मैरिज गार्डन में पुलिस आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एएसआई मेवाड़ी गेट राजेंद्र सिंह, दीवान संजय कुमार, वार्ड पार्षद बाबूलाल पंवार, समाज सेवी मेघराज बोहरा, पप्पू पहलवान सहित अन्य क्षेत्रवासी उपस्थित थे। शिविर के दौरान नसिया स्कूल के पास 2 स्पीड ब्रेकर बनवाने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम करने की मांग भी रखी गई।
शहर में विगत दिनों स्थापित की गई गणेश प्रतिमाओं की विसर्जन का सिलसिला जारी है। सोमवार को भी शहर में बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गणेश प्रतिमाओं को ट्रकों व ट्रैक्टरों में सवार कर गाजेबाजे तथा डीजे पर भजनों व फिल्मी गीतों की धुनों पर तिरकते हुए नाचते गाते सुभाष उद्यान स्थित विचरली तालाब पहुंचे तथा गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया। विसर्जन के दौरान उपस्थित महिला तथा पुरुष श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दिया के गाने के साथ गणपति बप्पा को विदाई दी। इस दौरान कई श्रद्धालुओं की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दोपहर बाद शुरू हुआ गणेश प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला देर शाम तक चलता रहा। इस दौरान कॉलेज रोड नीमड़ी वाले बालाजी स्थित चांगेट का राजा, लोहरान बस्ती, सासी बस्ती, गोपाल जी मोहल्ला तथा जटिया कॉलोनी अन्य क्षेत्रों में स्थापित गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपनी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। राजस्थान पटवार संघ ने अभिभाषक संघ के खिलाफ पारित किया निंदा प्रस्ताव। अभिभाषक संघ के दुर्व्यवहार से क्षुब्ध थे पटवारी व गिरदावर। समारोह पूर्वक संपन्न हुई 62वीं जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता, विजेता व उपविजेता टीमों को किया पुरस्कृत। विगत दिनों से घर से लापता हुए युवक का कुएं में मिला शव, हत्या की आशंका के चलते परिजनों ने जताया आक्रोश। और एसजी कॉलेज के छात्र संघ चुनावों में संयुक्त सचिव पद पर भी एबीवीपी का कब्जा। एबीवीपी के प्रत्याशी ने 758 मतों से दर्ज की जीत।